अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ की वजह से हम सब बिल्कुल खैरियत से हैं। आज की रेसिपी है यमी कटोरी चाट की। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वे में इसको घर में मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट से तैयार करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम कटोरी चाट के लिए कटोरी तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप मैदा, 1/2 कप सूजी, 1/4 कप ऑयल, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बोल में लेंगे मैदा। मैदा मैंने अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। इसमें ऐड करेंगे सूजी, ऑयल और सॉल्ट। हाथों की मदद से इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोनों हाथों से हमें इसको मिक्स करके इसका मोयन तैयार कर लेना है। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करने से हमारी जो कटोरी है वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेंगी। देखिए, जब हम इसको इस तरह से मुट्ठी में लेके प्रेस करेंगे और ये लड्डू नुमा बनने लगे तो इसका मतलब है कि आपका मोयन तैयार है। अब हम इसका सिंपल पानी से डो प्रिपेयर कर लेंगे। इसका हम एक सेमी सॉफ्ट सा डो प्रिपेयर कर लेंगे। ज़्यादा नरम भी नहीं रखेंगे और ज़्यादा सख्त भी नहीं रखेंगे। अगर ज़्यादा सख्त किया तो इसमें क्रैक्स आ सकते हैं। इसको हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से गूंद लेंगे और 3 से 4 मिनट हम इसको अच्छे से पंच करेंगे, जिससे कि हमारा डो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, एकदम से चिकना बनेगा। अब हम इसके सरफेस पे ऑयल लगा देंगे और कवर करके इसको हम 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। देखिए, तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं डो को रेस्ट दिए हुए और इसको एक दफ़ा हाथों से मज़ीद हम अच्छे से नीट कर लेंगे और इसके हम पेड़े कट कर लेंगे। पेड़ा तैयार कर लेंगे। एक पेड़े का साइज हम पूरी से थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। इसको हम बेल लेंगे। इसको ना ही ज़्यादा हमें मोटा बेलना है ना ही ज़्यादा बारीक बेलना है। जैसे हम फुलका बनाते हैं बिल्कुल उतना ही हम इसको बेल लेंगे। अब यहाँ पे हम इसको फोक की हेल्प से प्रिक कर लेंगे। प्रिक करना बहुत ज़रूरी है, वरना फ्राई करते वक्त हमारी कटोरियाँ फूल जाएंगी और जो कटोरी का एक परफेक्ट शेप होगा वो नहीं आ पाएगा। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चागरदान, जिसे हम चाय निकालते हैं। अगर आपके पास स्टील की कटोरी हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर हम लगा लेंगे अच्छे से ऑयल। अब हम प्लेट्स देते हुए इसको कटोरी का शेप देते जाएंगे। देखिए इस तरह से। अगर आप प्लेट्स नहीं देंगे तो आपका कटोरी का परफेक्ट शेप नहीं आएगा। और यहाँ पर आपने स्टील की कटोरी यूज़ करनी है, प्लास्टिक या कांच की कटोरी यूज़ नहीं कीजिएगा। देखिए इस तरह से इसको मैंने परफेक्ट शेप दे दिया है और एक्सेस जो है इसको देखिए मैं इस तरह से रिमूव कर दूंगी। बहुत ईजिली जो ऊपर वाला पार्ट है वो रिमूव कर दीजिएगा। इसको अंदर की तरफ फोल्ड नहीं कीजिएगा, वरना फ्राई करते हुए हमारी कटोरी स्पून से सेपरेट नहीं होगी। हाथों से अच्छे से प्रेस कर देंगे। देखिए परफेक्ट कटोरी का शेप आ चुका है। अब हम अगेन इसको एक दफ़ा प्रिक कर लेंगे फोक से, ताकि फ्राई करते वक्त हमारी कटोरी फूले ना। पहले ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लीजिएगा। जब मीडियम फ्लेम पर गरम हो जाए तो इसकी फ्लेम लोअर मीडियम कर दीजिएगा और इसमें ऐड कीजिएगा एक बॉल। और इस बॉल पे जब स्लोली स्लोली बबल्स आने लगे तो इट्स मीन कि आपका ऑयल जो है वो परफेक्टली गर्म है। अब हम इस बॉल को निकाल लेंगे और इसमें हम अपनी कटोरियाँ फ्राई करेंगे। देखिए इस तरह से इसको प्रेस करते हुए हम फ्राई कर लेंगे। प्रेस करने से इसके एजेस तक अच्छे से फ्राई हो जाएगी ये। जब ये परफेक्ट कटोरी का शेप लेने लगेगी, देखिए इस तरह से ऑयल इसके अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो खुद ब खुद ये स्पून को छोड़ देगी इस तरह से। देखिए ईजिली स्पून रिमूव कर लिया है मैंने। अब हम इसकी साइड टर्न कर देंगे। देखिए चारों तरफ से ये अच्छे से सिक चुकी है। अब मैं इसको निकाल लूंगी। परफेक्ट गोल्डन कलर आ गया है। इसी तरह मैं बाकी तमाम भी तैयार कर लूंगी।
देखिए हमारी तमाम कटोरियाँ तैयार हो गई हैं। अब हम आलू की चाट प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप बॉयल चने, 2 मीडियम साइज़ के बॉयल आलू हैं इनको मैंने कट कर लिया है, 1/4 कप प्याज है इसको मैंने ऑमलेट कट में कट कर लिया है, 1/4 कप टोमेटोज हैं इनको भी बारीक कट कर लिया है, 2 से 3 टेबल स्पून दही, 1 टेबल स्पून बारीक कटी हरी मिर्चें, 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, गार्निशिंग के लिए सेव और अनार, 2 टेबल स्पून हमारे पास है बारीक कटा हरा धनिया, 1/2 लेमन, 1 टेबल स्पून है लाल चटनी। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। सबसे पहले बोल में ऐड करेंगे चने, आलू, 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे दही, प्याज, टमाटो, हरी मिर्चें, हरा धनिया, लेमन स्क्वीज करेंगे, पिसी लाल मिर्च, जीरा पाउडर, चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट, सॉल्ट, लाल चटनी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाट रेडी है। अब हम अपनी कटोरियों में चाट को असेंबल करेंगे। सबसे पहले हम अपनी कटोरी लेंगे जो हमने तैयार की है, इसमें डालेंगे हम चाट, इस पे डालूंगी मैं थोड़ा सा दही, थोड़े से स्प्रिंकल करेंगे प्याज, टमाटर, थोड़ी सी ऐड करूंगी यहाँ पे मैं आलू बुखारे की चटनी, थोड़ा सा इसको मीठा सा लुक देने के लिए। बहुत ही यमी रेडी होगी ये। थोड़े से अनार डालेंगे, और देखिए कितनी खूबसूरत हमारी कटोरी चाट तैयार है। मैं इसका फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। फाइनल लुक हमारी आज की रेसिपी का, यमी कटोरी चाट तैयार है। अंबर को भी बुलाते हैं कि वो आए और आके टेस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। और फ्रेंड्स गाइस, आज इतनी यमी यमी चटपटी सी डिश हमारे घर में बनी है। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहा है प्लेटर। वाओ, दिस इज कटोरी चाट। देखते ही मेरे मुंह में पानी आया, एक ही जानो शुमाइला, मुझे इतना मजा आ रहा है देख के। इतनी खूबसूरत, अट्रैक्टिव, कलरफुल ये प्लेटर है। वेल डन, थैंक यू, यहाँ तक तुम्हारी जीत हो गई। अब जायका देखते हैं कि कैसा है। सो गाइज, आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा बना है। वाओ, देखिए कितनी खूबसूरत कटोरी है। सूरत बेस दिखाओ, बहुत प्यारी लग रही है। वाओ, चटोरे लोग तो शौक से खाएंगे, हम तो वही चटोरे। ऐसी चीजें आप हमें सुबह शाम खिलाएं, रात दिन खिलाएं, हम नहीं थकेंगे खाने से। आई लव दिस। तो बाइट लेते हैं पहला। वाओ, कितना यमी लग रहा है। बहुत मजे का है शुमाला। बहुत इसमें अनार है, आलू बुखारा है, चने, आलू, इतना मजा दे रहा है। खट्टा मीठा सा टेस्ट आ रहा है, बहुत ही यम्मी लग रहा है। और सेव ने भी बहुत कमाल दिखाया है। सो गाइज, ये रेसिपी बेस्ट है, आपने जरूर बनानी है।
मैं ना एक बाइट आपको यहाँ से भी खा के बताती हूँ। कटोरी अब मैं तोड़ने वाली हूँ शुमाइल आपकी, ताकि इसकी क्रिस्पनेस दिखाऊं कि कितना क्रिस्पी है। नाक पे भी लग गया। ओ वाओ, मैं बहुत लकी हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी बहन दी है जो मुझे बना बना के खिलाती है। आई लव यू शुमाइला, थैंक यू सो मच। और सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार मोहब्बत देने का, इतना ज्यादा हमें लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो ये रेसिपी जब आए तो आपने जरूर ट्राई करनी है, इट्स यमी, वेरी 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 यमी। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। गाइस, इट्स रियली 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 मजेदार, बहुत यमी है। मेरे पास तो अल्फाज ही खत्म हो गए, बनानी जरूर है, इट्स वेरी यमी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, बाय बाय।